गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को तार तार करने का मामला सामने आया है, जहां लखनपुर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक ने अपनी सारी हदें पार कर दी। शिक्षक पिछले 4 महीने से 9वीं की छात्रा के साथ अश्लील हरकतों को अंजाम दे रहा है। वहीं दुष्कर्म की धमकी देने और अन्य छात्राओं को मोबाइल में अश्लील चित्र दिखाकर अश्लील हरकत करने का मामला भी सामने आया है, जिसको देखते हुए छात्रा के परिजनों ने शासकीय विद्यालय लखनपुर पहुंचकर प्राचार्य से शिकायत करते हुए शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। शिकायत मिलने के बाद प्रभारी प्राचार्य ने दूरभाष के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को घटनाक्रम के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने अपने स्तर से कार्रवाई करने की प्राचार्य से बात कही, जहां प्राचार्य ने 4 अप्रैल को लखनपुर थाने पहुंच सहायक शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आवेदन दिया गया। लेकिन लखनपुर के थाना प्रभारी ने स्कूल की बदनामी तथा स्कूल में एडमिशन प्रभावित होने की बात कहते हुए आवेदन पुनः प्राचार्य को वापस कर दिया। इधर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सहायक शिक्षक राजकुमार सी पकेरा के द्वारा विगत 3-4 माह से कक्षा 9वीं की छात्राओं को मोबाइल के माध्यम से अश्लील चित्र दिखाकर अश्लील हरकत किया करता था, जिसे लेकर छात्राएं परेशान रहती थी। वहीं छात्राएं किसी से कुछ नहीं कह पा रही थी, साथ ही छात्राओं ने सहायक शिक्षक से खतरे की आशंका भी जताई है, जहां कक्षा 9वीं की छात्रा स्कूल में आए दिन अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी। शिकायत के 8 दिन बीत जाने के बाद भी सहायक शिक्षक पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बहरहाल मामला तुल पकड़ता देख देर शाम शिक्षक को जिला प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। ये जो प्रकरण है ये मेरे संज्ञान में 1 तारीख को आया, 31 की ये घटना है, 31 मार्च की ये घटना है और 1 अप्रैल को मेरे संज्ञान में आया। और जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैंने उसी दिन श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी जी को दूरभाष के जरिए संपर्क किया और उनसे सलाह ली। उन्होंने बोला कि आपने इस तरह से जो कार्रवाई करना है कीजिए आप। तो मैंने फिर अपने कार्रवाई में थाना प्रभारी को चिट्ठी दिया, थाना प्रभारी को लिखा और जैसे बताया थे कि इसकी सूचना मुझको पत्र के माध्यम से दे दीजिए, तो मैंने वैसे पत्र के माध्यम से उनको पहले सूचना कर दिया। और यहाँ पर जब हम ये पत्र दिए, ये पत्र 4 तारीख को थाना में जब गया ये पत्र, तो उस समय वहाँ जो उच्च अधिकारी थे IPS, उनके द्वारा मुझे बताया गया कि यदि ये प्रकरण यदि इसमें थाने में आ जाता है, FIR हो जाता है, तो स्कूल की बदनामी होगी और फिर आपका एडमिशन वगैरह भी प्रभावित होगा, आप लोग कैसे दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे। हमने यही सोचा कि उच्च अधिकारी जब बोल रहे हैं तो कुछ है ना, इस तरह से एडवाइस दे रहे हैं तो अच्छे के लिए एडवाइस दे रहे होंगे। वो फिर पत्र हमें सौंप दिए, वो जो कंप्लेंट किया गया था मेरे द्वारा, कक्षा 9वीं की छात्रा है वो, और हमारे यहाँ विज्ञान सहायक शिक्षक श्री राजकुमार सिंह पेकरा, इनके द्वारा यह कृत्य किया है। क्या कृत्य किया गया था सर? कृत्य में लड़कियों के द्वारा जो बताया गया कि वो राजकुमार बोलता है कि मैं तुम्हारा हेल्प कर दूंगा, और कुछ लड़कियों का कहना है कि फेसबुक से अश्लील चित्र दिखाते थे मोबाइल में। कितने महीने से वो छात्राओं के साथ ऐसा कर रहे थे सर? उनके अनुसार जो बयान जो उन्होंने दिया है वो 3-4 माह पहले का बात बता रहे हैं कि फेसबुक से, और ये जो रेप करने की घटना वो मतलब तत्काल ही था। कन्या स्कूल लखनपुर में एक मामला सामने आया है, जिसमें शिक्षक द्वारा 9वीं कक्षा की बालिका के साथ अश्लील बातें करने के मामला सामने में आए हैं। इसमें विभागीय जांच हो रही है, विभागीय कार्रवाई किया जा रहा है। सहायक विकास खंड अधिकारी इसमें जांच अधिकारी हैं, उन्होंने अपना बयान और ये सब दर्ज करके DO सरगुजा को अपना जाँच रिपोर्ट प्रेषित कर दिया गया है। निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होगी। और जैसे सर प्रचार के दौरान कार्रवाई के लिए लखनपुर थाने में आवेदन दिया गया, तो वो आवेदन लौटा दिया गया, इसका आवेदन दिया गया, उसमें भी कार्रवाई होगी। पहले विभागीय कार्रवाई संचालित है, उसके बाद ही कार्रवाई होगी।